उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री से मामले को संज्ञान में लेने की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जिला अध्यक्ष कुलदीप तिवारी के नेतृत्व में भोपाल के प्रभात चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। शिवसेना जिलाध्यक्ष कुलदीप तिवारी ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हुए कहा कि जब हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हैं तो विदेश मंत्रालय से बातचीत कर बांग्लादेश से हिंदू भाइयों को सुरक्षित निकाला जाए। आज हमारे प्रदर्शन का मूलतः उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से हमारे बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित हैं, इसमें मोदी जी अपने आप को विश्व शक्ति बताते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे वहां हिंदू भाइयों की सुरक्षा करके अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विदेश मंत्रालय इसमें रोक लगाए और आपस में बातचीत करके वहां के हिंदुओं को सुरक्षित बताया जाए। आज हमारी जो मांगे हमने सौंपी है प्रशासन को, उसमें साथ ही एक मांग है हमारी महिला सुरक्षा को लेके। आजकल गैंगरेप, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं हॉस्टल में, अभी हुआ पिछले महीने, जिस तरीके का विभत्स गैंगरेप हो रहे हैं, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, सिर्फ कानून की धाराएं बदलने से ये सब नहीं बदलने वाला। हमारी पहले से मांग रही है कि ये मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएं और जल्दी से जल्दी परिवार को न्याय मिले। जिनके घर की बच्चियां चली जाती हैं वो वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन न्यायपालिका पे यही भरोसा इंसान जताता है कि आत्मसंतोष मिल पाए। इसलिए हमारी सरकार से यही मांगे कि इन केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के जल्दी से जल्दी इन पे फैसला आए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।